नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना में। दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आपके लिए DSSB के रिजल्ट से जुड़े हुए नए रिजल्ट नोटिस लेकर। जी हाँ, DSSB ने आज बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। एक साथ 9 रिजल्ट जारी किए हैं, तो हम एक एक करके सारे रिजल्ट देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए और हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, पहले रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो नोटिस हमारा वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट HRD क्वालिटी कंट्रोल। पोस्ट कोड है 47/20 और यहाँ पर एक ही पोस्ट थी जर्नल की, और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 25/9/2021 को। टोटल 220 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें केवल 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके क्वालिफाई मार्क्स आए हैं या उससे ऊपर आए हैं। और यहाँ पे जर्नल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 200 मार्क्स में से जर्नल की 112.25, और जिसका भी यहाँ क्वालिफाई हुआ है उसको अपना ई डोजियर फिल करना है 6/12/2021 से 20/12/2021 के बीच में। तो जल्दी से जल्दी अपना ई डोजियर फिल कर देना है। अगला नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस है साइंटिफिक असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 51/20 और यहाँ पे जो टोटल वैकेंट पोस्ट थी वो 3 थी, जर्नल की 2 और OBC की 1, और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 11/9/2021 को, जिसमें टोटल 153 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। इसमें से टोटल 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, और यहाँ पर जर्नल की कट ऑफ रही है 99.25 और OBC की कट ऑफ रही है 82.75, और जिन जिन ने भी क्वालिफाई किया है उनको अपना ई डोजियर फिल करना है। और जो इनको ई डोजियर फिल करने के लिए टाइम मिला है वो है 7/12/2021 से 21/12/2021। अगला जो नोटिस है हमारा वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट, पोस्ट कोड 46/20। यहाँ पर 2 वैकेंट पोस्ट थी जो जर्नल की थी, और तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 13/9/2021 को, जिसमें टोटल 23 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। इसमें से 8 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर पाए या कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है 200 मार्क्स में वो जर्नल की है 103.50। तो जिन जिन का भी यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है उनको अपना ई डोजियर फिल करना है 7/12/2021 से 21/12/2021 के बीच में। अगला नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस है हमारा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, पोस्ट कोड है 61/20 और यहाँ पे जो टोटल वैकेंट पोस्ट थी ये थी 10, जर्नल की 4, EWS की 1, OBC की 3, SC की 1, ST की 1, और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ये हुआ था 27/9/2021 को, जो जिसमें टोटल 109 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। टोटल 24 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, और इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। जर्नल की है 93.25, EWS में नहीं है यहाँ पे। OBC की है 72.50, SC की है 61.75, ST की है 62.25, और यहाँ पे EWS के दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट थे उनके जो मार्क्स आए हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट हुए हैं। और जिन जिन का भी यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है उनको अपना ई डोजियर फिल कर देना है, और ई डोजियर फिल करने के लिए उनका जो लिंक एक्टिव रहेगा वो है 7/12/2021 से 21/12/2021 के बीच में। तो दोस्तों, जिन जिन का भी क्वालिफाई हुआ है वो अपना ई डोजियर याद करके फिल कर दीजिएगा। हम देख लेते हैं अगला नोटिस। अगला नोटिस है साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट कोड है 53/20 और यहाँ पर टोटल वैकेंट पोस्ट 3 थी, जर्नल की 2 और SC की 1। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 25/9/2021 को, जिसमें टोटल 255 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। उसमें से 13 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा या इक्वल मार्क्स आए हैं, और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही है जर्नल की 96.75 और SC की है 76.50, और जिन जिन का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उनको 7/12/2021 से 21/12/2021 के बीच में अपना ई डोजियर फिल कर देना है। तो आज का अगला रिजल्ट देख लेते हैं। अगला नोटिस हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, पोस्ट कोड है 55/20 और यहाँ पे टोटल वैकेंट पोस्ट 6 हैं, जर्नल की 3,
AWS की 1, OBC की 1, ST की 1। और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 25/9/2021 को, जिसमें टोटल 249 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे। और इसमें 18 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके इक्वल मार्क्स आए कट ऑफ के, उससे ज़्यादा आए हैं। और यहाँ पे कट ऑफ टू एंडेड मार्क्स में से दी है जर्नल की 85.50, AWS की 85.25, OBC की 70.25, ST की 61। और जिन जिनका भी यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है उनको अपना ई डोजियर फिल करना है 7/12/2021 से 21/12/2021 के बीच में। तो जिनका भी क्वालिफाई हुआ है वो याद करके अपना ई डोजियर फिल कर दीजिए। हम देख लेते हैं अगला नोटिस। अगला नोटिस हमारा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 59/20। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंट पोस्ट थी वो 3 थी जर्नल की। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 14/17/2021 को, जिसमें 31 कैंडिडेट अपियर हुए थे रिटर्न एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है जनरल कैटेगरी से। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% किसी के नहीं आए हैं, तो ये वैकेंट रह गई है पोस्ट। तो दोस्तों ये थे DSSSB की तरफ से आज आए हुए हमारे रिजल्ट नोटिस। इसके अलावा दो रिजल्ट नोटिस सुबह आए थे, जिनमें एक रिजल्ट था और दूसरा रिकॉल नोटिस था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह टीचिंग जॉब से रिलेटेड या अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। धन्यवाद।